हिंदू धर्म में दशहरे का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरे के दिन अपराजित व शमी का पौधा का विशेष महत्व है। शमी के पूजन से इन दो पेड़ों का पूजन इस दिन क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं उज्जैन के पंडित जी। भारतवर्ष में अनेक त्योहारों का अलग अलग महत्व है, उसी प्रकार विजयादशमी का त्यौहार आ रहा है। यहाँ पर भारतवर्ष में हर वस्तु को धार्मिक मान्यताओं से जोड़ करके देखा जाता है, और हमने देखा अनेक प्रकार के पौधे वृक्ष आदि को हम पूजन करते हैं। पीपल का, तुलसी का, बरगद आदि पेड़ों के हम पूजन करते हैं। परंतु यहाँ पर विजयदशमी की हम बात करते हैं। विजयदशमी को दो पौधों का विशेष महत्व कहा गया है, उनका विशेष कर पूजन किया जाता है। इनका पूजन क्यों किया जाता है, इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। शमी के पौधे का पूजन किया जाता है, तथा उसके ही साथ में अपराजिता के पौधे का पूजन किया जाता है। इनके पूजन से जुड़ी प्राचीन मान्यता है, कथाओं में भी कहा गया है कि जब भगवान राम जी रावण से युद्ध करने जा रहे थे, उससे पूर्व भगवान ने शमी के पौधे का पूजन किया था, और शुभ मंगल आशीर्वाद शमी के पौधे से वृक्ष से लिया था। इसलिए सभी लोग विजयादशमी के दिन शमी के पौधे का पूजन करते हैं, और अपराजिता के पौधे का भी पूजन करते हैं। इनका दोनों का अलग अलग महत्व कहा गया है। अपराजिता के पौधे की हम बात करें तो कहा जाता है कि अपराजिता का पौधे का इस दिन पूजन करने से घर में सदैव हमारी विजय होती है, तथा व्यापार स्थान में, कार्य स्थान में हमारी साल भर विजय होती है, और कभी भी हमें हार का सामना करना पड़ता है, कभी भी हमारे अपराजित का मुख न देखना पड़े। इसलिए अपराजिता के पौधे का पूजन करना चाहिए। और दूसरा शमी का पौधा कहा गया है। शमी के पौधे के पूजन करने से शनि की साढ़े साथी शांत होती है, इसलिए शमी के पौधे का पूजन करना चाहिए। उसके साथ ही कहा जाता है कि शमी के पौधे का पूजन करने से घर में या परिवार में कहीं तंत्र बाधाएं आदि हो तो वो भी दूर होती है, और